हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति मसाला स्टोरी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चंद्रकला गुजिया। ये त्योहारों पर बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये गुजिया बनाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलिए आज की ये गुजिया की रेसिपी को शुरू करते हैं। चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम मैदा। उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। ये जमा हुआ घी है। अगर आप इसको पिघला कर डालेंगे तो ये 2 या 3 चम्मच हो जाएगा। इसको हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे और दोनों हथेलियों की मदद से इसको ऐसे हम अच्छे से इसको मोइन कर लेंगे। घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या तेल हम इतना डालेंगे ताकि ये आराम से ऐसे बंध जाए। यहाँ आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंदना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है। आप पानी डालने के पहले ही थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। बस 1 पिंच हमें नमक डालना है। जब भी कोई हम मीठा चीज़ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम नमक डालते हैं ताकि उसका जो मिठास है वो बैलेंस रहे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी कर हम इसको ऐसे गूंद लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो डो है उसको हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है। अगर डो सॉफ्ट हो जाएगा तो हमारी चंद्रकला गुजिया जो है वो क्रिस्पी नहीं बन पाएगी। डो को गूंदने के लिए पानी का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही मेन पार्ट है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और आटे को गूंदने के बाद इसके ऊपर हम घी या तेल अच्छे से इसके हर तरफ हम लगा देंगे ताकि ये सूखे ना, और इसको हम ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मेरे पास 150 ग्राम के करीब मावा है। इसमें हम पाउडर शुगर 1.5 चम्मच डालेंगे, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और ये थोड़ा सा मैंने किशमिश डाला है। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें इसमें, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर मावा आपका गर्म है तो आप उसमें उसी टाइम चीनी ना डालें, नहीं तो चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ देगा और मावा जो है वो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले एक हम पैन गरम करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। यहाँ आप देख सकते हैं मेज़रमेंट के हिसाब से 1.5 कप चीनी के लिए मैंने यहाँ 1/2 कप पानी डाला है। उसमें इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। बस चीनी को हमें पानी में अच्छे से उबाल कर नॉर्मल चाशनी बना लेंगे हम। उसमें थोड़ा सा इलायची डाल देंगे। अगर आपको और टेस्ट बढ़ाना है इसका तो आप इसमें थोड़ा सा केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ कलर के लिए फूड कलर डाला है। फूड कलर को आप स्किप कर सकते हैं। और ये चाशनी हमारी 3 से 4 मिनट में बनकर तैयार है। इसको ढककर हम साइड में रख देंगे। 15 मिनट के बाद देखेंगे कि ये जो हमारा डो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। इसको हम फिर से एक बार हल्के हाथों से गूंद लेंगे और इसका एक बड़ा सा बॉल बना लेंगे। मैदे में आपको ना तो अलग से तेल लगाने की ज़रूरत है और ना ही मैदा लगाना है। आप इसको ऐसे रोटी के साइज का अच्छे से बेल लें। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है। आप इसको एक गिलास या कटोरी के मदद से इसकी छोटी छोटी पूरियाँ आप निकाल लें, या फिर ऐसे ही आप अलग से छोटा छोटा बॉल बनाकर आप उसको ऐसे रोल कर सकते हैं। गिलास से पूरी निकालने से क्या होगा कि आपकी पूरियाँ जो है वो इक्वल साइज़ की निकलेगी। गुजिया की जो पूरी हम बनाएंगे उसको हम इतना मोटा रखेंगे। बाकी के पूरियों को हम साइड कर देते हैं और एक पूरी पे हम ऐसे किनारे पे इसके हम पानी लगा लेंगे। और जो गुजिया में भरने के लिए हमने मावा वाली जो स्टफिंग तैयार किया है उसको हम सेंटर में रख देंगे। इसके ऊपर हम दूसरी पूरी जो है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके किनारों को उंगली से ऐसे हम प्रेस करेंगे ताकि ये दोनों पूरी जो है वो अच्छे से चिपक जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसको ऐसे चिपका रही हूँ। तो आप भी इसको ऐसे ही चिपकाएं, वरना तेल में वो खुल जाएगी और मावा हमारा सारा बाहर निकल जाएगा। तो इसको आप ऐसे उंगली से अच्छे से ऐसे फैलाते हुए चिपका दें। उसके बाद हम इसमें यहाँ पर वापस से थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि जो हम डिज़ाइन इसके ऊपर बनाएंगे वो अच्छे से चिपक जाए। तो ये मैं बहुत सिंपल वाला यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको अंदर की तरफ बस मोड़ते जाना है
और उंगली से इसको हम ऐसे प्रेस करके दबाते हुए चिपकाते जाएंगे। और जो हमने पानी लगाया है अंदर में, उसके वजह से ये जो डिज़ाइन हम अंदर में मोड़ते हुए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हम ऐसे मोड़ते हैं वो अच्छे से चिपक जाए। मैं वापस से आपको दूसरा गुजिया बना कर दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कैसे वापस से सेम डिज़ाइन, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप इसको एक बार ऐसे ट्राई करिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ऐसे ही बाकी के गुजिया भी बना लिया है। तेल पहले से गर्म करके रखा है और इसमें हम ऐसे चंद्रकला गुजिया हम इसमें ऐसे डाल देंगे। गुजिया जब तक थोड़ा सा फ्राई नहीं हो जाए उसके पहले हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, वरना ये टूट जाएगा और इसका सारा मावा जो है वो तेल में बाहर निकल जाएगा। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है क्योंकि हमें इसको अंदर तक क्रिस्पी बनाना है। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएगा और अंदर से ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें, इससे ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और अंदर तक क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ मैंने सारे चंद्रकला गुजिया को जो है वो फ्राई कर लिया है। आप भी इसको ऐसे ही फ्राई करें और इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। गुजिया को फ्राई करने के तुरंत बाद ही हम इसको ऐसे चाशनी में डाल देंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छे से ये अंदर तक एब्जर्ब कर ले। यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऐसे चम्मच से चाशनी डालें। तो ये हमारा चंद्रकला गुजिया तैयार है। तो चलते हैं इसको हम सर्व करने के लिए। तो यहाँ मैं एक प्लेट में इसको ऐसे सर्व कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि चंद्रकला गुजिया जो है वो बहुत ही टेस्टी और देखने से ही बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है ना। तो आप इसको एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करें। तो आपने देखा कि मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से चंद्रकला गुजिया बनाया है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसके ऊपर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐसे गार्निश कर दें और अगर आपके पास केसर है तो ऐसे एक एक केसर इसके ऊपर डाल दें, वैसे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब आप भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से चंद्रकला गुजिया बना सकते हैं इस दिवाली पे। उम्मीद है कि आज की ये बहुत ही स्वीट सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।